वालेकुम अस्सलाम। हाँ शैला, सब खैरियत है ना? जी जी सब खैरियत ही है। एक्चुअली मैं चाह रही थी कि आप थोड़ा सा वक्त निकाल कर मेरे साथ सारा के घर चलें। कैसी बातें कर रही हो तुम? इस वक्त तो टाइम बिल्कुल नहीं है हमारे पास। मुझे अकेले जाकर ये बात करना अच्छा नहीं लग रहा। अरे अच्छा लगे या बुरा, ये हमारा एक जेन्युइन रीजन है। तुम बात करके देखो, वो समझ जाएंगे। रायत के फ्यूचर के साथ उनकी बेटी का फ्यूचर भी तो जुड़ा हुआ है ना। लेकिन अभी तो हमने डेट फिक्स की थी, अब इस तरह जाकर डेट चेंज करने की बात करेंगे तो आपको पता है उन लोगों ने तैयारियां भी शुरू कर दी। अच्छा फिर ऐसा करो, तुम हाजरा को अपने साथ ले जाओ। एक से दो भले। हाजरा को नहीं ले जा सकती, हर चीज जाकर उल्टी पुल्टी कर देगी वहां पर। एक तो हम बिजनेस के मामले में फंसे हुए हैं, ऊपर से तुम शादी ब्याह की बातें करके वक्त जाया कर रही हो। प्लीज बंद करो फोन को। ओके ठीक है, आप करें अपना काम, मैं सोचती हूँ कुछ। खुदा हाफिज़। हाजरा जी। मम्मी जी कहीं जा रही हो? नहीं, वो जिलर आया, उसको बुलाया मैंने। ऐसे? अच्छा खैर छोड़ो, वो मैं सारा के घर जा रही थी तो मैं चाह रही थी कि तुम मेरे साथ चलो। सारा के घर? शादी की डेट आगे बढ़ानी है तो तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए, तुम इस घर की बड़ी बहू हो। ठीक है चले। ऐसे? मैं चेंज करके आती हूँ। जरीना, जरीना वो बाहर ज्वेलर आया हुआ है ना? जी। उससे कहो कि अभी घर में कोई नहीं है, कल आ जाए। जी अच्छा।